हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय कुमार झा स्वागत करता हूँ आपको अपने चैनल पे। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन से रिलेटेड। एक टॉपिक मैं आपके सामने डील करने जा रहा हूँ और वो होगा मॉलिकुलर डायग्नोसिस। और इसी में हम लोग बात कर लेंगे ट्रांसजेनिक एनिमल्स का और उससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। देखिए, एक्चुअली में मॉलिकुलर डायग्नोसिस जो रिलेटेड टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी से, इसको समझने के पहले हम लोग ये समझते हैं कि डायग्नोसिस क्या होता है। देखो, डायग्नोसिस का मतलब क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर टाइप के कंडीशन को डिटेक्ट करना, है ना। स्पेशली अगर हम लोग बात करते हैं मेडिकल सेक्टर में, तो किसी भी पर्टिकुलर टाइप के डिजीज़ को हम लोग डायग्नोसिस के द्वारा डिटेक्ट करते हैं और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करते हैं। वही है डायग्नोसिस। डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीजेस टेक प्लेस फॉलोइंग मेथड। अलग अलग मेथड से इसका यूज़ किया जाता है। जैसे देखो, सबसे पहले मैंने बताया सिम्टम बेस्ड डायग्नोसिस, फिर मैंने बताया पैथोलॉजिकल बेस्ड डायग्नोसिस, फिर हम बात करेंगे मॉलिकुलर डायग्नोसिस का। यही हमारा बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक होगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग ये सब समझते हैं, सिम्टम बेस्ड डायग्नोसिस क्या होता है, पैथोकेमिकल बेस्ड डायग्नोसिस क्या होता है। तो देखिए, अगर हम लोग सिम्टम बेस्ड डायग्नोसिस को समझते हैं तो ये क्या होता है। एक्चुअली में हमारे बॉडी में जब कोई पर्टिकुलर टाइप का डिसऑर्डर होता है, कोई डिजीज़ होता है, तो हमारा बॉडी जो है रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है इन द टर्म ऑफ सिम्टम, है ना। ये सिम्टम जो डेवलप होता है, ये तब होता है जब वो डिजीज़ की एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी हो जाती है, मतलब उसका कंसंट्रेशन लेवल अच्छा हो जाता है। वही है द वेरियस सिम्टम डेवलप इन पेशेंट, इट अकर्स ड्यू टू हाई मैग्नीट्यूड ऑफ इन्फेक्शन और डिसऑर्डर, है ना। जब मैग्नीट्यूड ऑफ इन्फेक्शन और डिसऑर्डर ज़्यादा होता है, तब हमारा बॉडी रिस्पॉन्स शो आउट करना शुरू कर देता है और ये हम डिटेक्ट कर सकते हैं। ओके, इट कैन ओनली डिटेक्ट व्हेन देयर इज हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजीज। ये तभी डिटेक्ट होगा ना जब डिजीज की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई हो जाएगी। ओके, और इस लेवल पे डिजीज को कंट्रोल करना एक टफ टास्क हो जाता है, है ना, और ये ज़्यादा समय भी लगता है। इवन हम तब डिजीज को तब डिटेक्ट करते हैं जब डिजीज जो है वो अपना बहुत सारे डिसऑर्डर को या बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट को परफॉर्म कर चुका होता है। ओके, अगर हम लोग बात करते हैं, अच्छा, सिम्टम में क्या क्या हो सकता है। बहुत टाइप के सिम्टम होते हैं, जैसे फीवर आना हो गया, आपका ये स्टमक पेन हो गया, या फिर ये हमारा बॉडी वोमिटिंग हो गया, ये सब इस टाइप का चीज़ें होती हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करते हैं पैथोकेमिकल बेस्ड डायग्नोसिस का। पैथोकेमिकल बेस्ड डायग्नोसिस जो होता है वो क्या होता है, इसमें कन्वेंशनल मेथड जो हम लोग यूज करते हैं, जैसे ब्लड सैंपल, यूरिन का डिटेक्ट, यूरिन को चेक करते हैं, स्टूल को चेक करते हैं, सेरम को चेक करते हैं, सेलिवा को चेक करते हैं, है ना, और ये सब को हम एक स्पेसिफिक केमिकल के द्वारा चेक करते हैं ना। और चेक करके अगर वो केमिकल का एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स प्रोवाइड होता है तो हम उस पर्टिकुलर टाइप के डिजीज़ को डिटेक्ट कर लेते हैं। उसके अलावा कुछ और भी मेथड यूज किया जाता है, जैसे रेडियोग्राफी मेथड यूज किया जाता है, जैसे एक्सरे हो गया, एमआरआई हो गया, सीटी स्कैन हो गया, ये सब मेथड भी हम लोग यूज़ करते हैं डिजीज़ को डिटेक्ट करने के लिए। बट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हम लोग ये सारे टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, और ये टेक्नोलॉजी तब जा करके ये डिजीज़ के बारे में कन्फर्मेशन करता है जब ऑलरेडी डिजीज़ अपने इफेक्ट को शो आउट कर रहा होता है या वो बहुत सारा डैमेजिंग कर चुका होता है हमारे बॉडी में। तो एक ऐसे सिस्टम की ज़रूरत पड़ी जो हमको पहले से फर्स्ट फेज ऑफ डिजीज़ को ही क्या कर दे, हमारे बॉडी में डिटेक्ट कर ले और डैमेजिंग ऑफ डिजीज जो है वो कंपेरेटिवली कम हो जाए। तो हम लोग आगे उसी टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो पहले देखिए, मैंने बता दिया है आपको कि बोथ सिम्टम बेस्ड डायग्नोसिस एंड पैथोकेमिकल बेस्ड डायग्नोसिस कैन नॉट डिटेक्ट डिजीज अप टू प्रिमिटिव लेवल, है ना। ये प्रिमिटिव लेवल में नहीं बताता है। दस मॉलिकुलर लेवल ऑफ डायग्नोसिस डिटेक्ट दीज पर्पस, है ना। ये पर्पस के लिए मॉलिकुलर डायग्नोसिस हमने किया फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ डिजीज एट इनिशियल लेवल, है ना। इनिशियल लेवल पर ये डिजीज को बतलाता है। और इसके लिए हम लोग कौन सा सिस्टम यूज करते हैं, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं, देखिए, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हम लोग यूज करते हैं, पॉलीमराइज चेन रिएक्शन हम लोग यूज करते हैं, एलिसा।
तो हम लोग इसी सारे टॉपिक को यहाँ डिटेल करने जा रहे हैं। अब देखिए, इस टेक्नोलॉजी को अगर आप देखो तो देखो, दीज टेक्निक्स आर यूज्ड फॉर सर्व द पर्पस ऑफ अर्ली स्टेज ऑफ डायग्नोसिस, है ना। ये क्या है? अर्ली स्टेज ऑफ डायग्नोसिस है ना, मतलब इनिशिएटिव लेवल में डिजीज को ये क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है या डिजीज को डिटेक्ट कर सकता है। अब देखिए, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और पीसीआर में अगर हम लोग कहें तो हम लोग क्या करते हैं, एम्पलीफाई करते हैं उस जीन सीक्वेंस को जो काफ़ी लो लेवल पे हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, या उस म्यूटेंट जीन को। क्योंकि आपको पता होगा, मैंने बताया था इसके पिछले वीडियो में, कि कोई भी डिसऑर्डर या कोई भी डिजीज़ हमारे बॉडी में होता है तो वो ड्यू टू चेंजिंग इन कैरेक्टर ऑफ डीएनए होता है, चेंजिंग इन कैरेक्टर ऑफ जीन होता है, और जब चेंजेज हुआ तो म्यूटेशन हुआ। तो उस म्यूटेंट जीन को हम लोग क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं इन विट्रो मेथड से, मतलब सेल के बाहर लेबोरेटरी में हम उसको डिटेक्ट करते हैं और उसके एक्सप्रेशन को डिटरमाइन करते हैं। ओके, और क्या ये मेथड किस किस किसके लिए है? तो एचआईवी के लिए है, कैंसर के लिए है, एड्स के लिए है, जेनेटिकल डिसऑर्डर के लिए भी हो सकता है, जेनेटिकल डिसऑर्डर के लिए भी हो सकता है ये मेथड। ओके, तो ये सब डिफरेंट टाइप का मेथड के लिए हम लोग ये सिस्टम यूज़ करते हैं। तो चलिए देखते हैं आखिर हम लोग ये मेथड कैसे यूज़ करते हैं। अब देखिए टेक्निक क्या है। देखिए, सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, डीएनए लेना पड़ेगा सोर्स से, पेशेंट के बॉडी से डीएनए का सैंपल लेना पड़ेगा, है ना, चाहे वो ब्लड के फॉर्म में हो सकता है या किसी और फॉर्म में हो सकता है। ओके, सेरम के फॉर्म में हो सकता है। अब देखो क्या करते हैं, इसको हम लोग डीनेचुरेशन करवाते हैं। आपको याद होगा पीसीआर टेक्नोलॉजी, सबसे पहले डीनेचुरेशन करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, है ना। डीनेचुरेशन करवाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, सिंगल स्ट्रैंड हो जाएगा। ओके, अब डीनेचुरेशन के बाद हम लोग क्या करते हैं, एनलिंग करते हैं, याद होगा आपको, एनलिंग करते हैं। एनलिंग में हम लोग क्या करते हैं, डीएनए का प्राइमर लगाते हैं, यहाँ पे डीएनए का प्राइमर लगा देते हैं, है ना। डबल स्ट्रैंड मान लो दो स्ट्रैंड है तो दोनों स्ट्रैंड पे हम प्राइमर लगा देते हैं, इस साइड से और इस साइड से। ओके, अब देखो यही इंपॉर्टेंट बात है कि डीएनए को जब प्राइमर लगाते हैं ना, उस प्राइमर में हम लोग डीएनए प्रॉब यूज़ करते हैं। आपको याद होगा डीएनए प्रॉब क्या होता है, मैंने बताया था कि डीएनए प्रॉब क्या होता है, ये सिंगल स्ट्रैंड डीएनए विथ रेडियो एक्टिव एलिमेंट अवेलेबल होता है ना, रेडियो एक्टिव एलिमेंट के साथ ये अवेलेबल होता है। ओके, अब देखिए आप ऐसे समझो कि हमको पता है कि डीएनए का सीक्वेंसिंग क्या है, हम लोग को पता है डीएनए का बेस पेयर क्या है, और डीएनए जो प्रॉब हम लोग लेते हैं ना, उसका भी स्पेसिफिक बेस पेयर होना चाहिए, क्योंकि वो कम्प्लीमेंट्री होना चाहिए इस डीएनए का। तो जब आप सैंपल ऑफ डीएनए किसी पर्टिकुलर पेशेंट के बॉडी से डिटेक्ट करते हो, और अगर उस सैंपल में म्यूटेशन हो गया है, मतलब चूंकि डीएनए में म्यूटेशन होगा तभी तो वो डिजीज काउज किया है, अगर उस सैंपल में म्यूटेटेंट बेस पेयर होगा, मतलब ऐसा बेस पेयर अवेलेबल होगा जो म्यूटेटेड बेस पेयर होगा, तो जब आप डीनेचुरेशन करोगे तो वो म्यूटेटेड बेस पेयर साथ में होगा उसके, वो मान लो ये म्यूटेटेड बेस पेयर है, ये हमारा म्यूटेटेड बेस पेयर है, वो उसके साथ में है, और हमने जो डीएनए प्रॉब यूज़ किया है उसका भी बेस पेयरिंग क्या है, एक फिक्स बेस पेयरिंग है जो उस पर्टिकुलर डीएनए से रिलेटेड है। तो अगर ये डीएनए जो प्रॉब है, जैसे मान लो ये आपने सिंगल स्ट्रैंड डीएनए लिया, ये हमने सिंगल स्ट्रैंड डीएनए लिया विथ म्यूटेटेड जीन, ये क्या है भाई, ये मान लीजिए इसका म्यूटेटेड फॉर्म में जीन है, इसका दो जीन जो है ये यहाँ पे म्यूटेटेड फॉर्म में है, दो पार्ट जो है, दो बेस पेयर जो है म्यूटेटेड है, और हमने क्या लिया है, डीएनए प्रॉब लिया है, हमने क्या लिया है, डीएनए प्रॉब लिया है जो सिंगल सेगमेंट डीएनए है विथ रेडियो एक्टिव मटीरियल। ओके, तो हम क्या करते हैं, इसको इसके साथ पेयरिंग करवाते हैं। अब देखिए, मान लो डीएनए प्रॉब यहाँ जुड़ा, यहाँ जुड़ा, क्या यहाँ पे जुड़ेगा, यहाँ पे जुड़ने की संभावना उसकी बहुत कम है ना, इसलिए कम है क्योंकि ये बेस पेयर हमारा क्या हो गया है, चेंज हो गया है, तो यहाँ नहीं जुड़ेगा, जबकि यहाँ जुड़ेगा और यहाँ जुड़ेगा, है ना। अब आप ये समझो कि जिस हिस्से में नहीं ये जुड़ेगा, जिस हिस्से में ये जुड़ा नहीं, उस हिस्से में क्या होगा, अगर आप इसका रेडियोग्राफी करवाओगे तो ये हिस्सा आपको अलग नज़र आएगा ना, ये हिस्सा जो होगा वो म्यूटेटेड फॉर्म में नज़र नहीं आएगा, क्योंकि उसमें रेडियो एक्टिव मटेरियल वाला डीएनए अवेलेबल नहीं है, है ना। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि वेदर द डीएनए
इज म्यूटेटेड और नॉट। समझ में आ रही है बात आपको? फिर से मैं एक बार बता दूं कि हम लोग क्या करते हैं, डीएनए का सैंपल लेते हैं सोर्स से, उस सैंपल को डीनेचुरेशन करवा देते हैं। डीनेचुरेशन करवाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसका एनिलिंग करते हैं, प्राइमर लगाते हैं। प्राइमर लगाने के पहले प्राइमर में हम क्या लगाएंगे, तो हम लोग डीएनए प्रॉब यूज़ करेंगे। डीएनए प्रॉब जो होगा वो रेडियो एक्टिव कंटेनिंग मटेरियल के साथ होगा डीएनए, और उसके उसका बेस पेयर जो होगा वो स्पेसिफिक होगा। वो बेस पेयर उसी डीएनए के इक्विवेलेंट होगा जो आपने डीनेचुरेशन से ऑब्टेंट किया है। लेकिन अगर ये नॉर्मल डीएनए है, अगर ये म्यूटेटेड डीएनए नहीं है, ये नॉर्मल डीएनए है, तो आपका जो प्रोब होगा वो डीएनए के हर हिस्से पे क्या कर लेगा, पेयरिंग कर देगा, और पेयरिंग करके आप आसानी से उसको रेडियोग्राफी के द्वारा डिटेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर वो म्यूटेटेड डीएनए है, तो जो हमारा प्रोब है वो म्यूटेटेड हिस्से के ऊपर टैगिंग नहीं करेगा वो, और म्यूटेटेड हिस्से के ऊपर जब वो टैगिंग नहीं करेगा तो वो रेडियोग्राफी के द्वारा आप डिटेक्ट कर सकते हो कि विच पार्ट ऑफ द डीएनए इज नॉट टैग्ड। और हमको पता है डीएनए के जीन का एक्सप्रेशन हमको पता है, तो हम आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं उस डिजीज को। तो ये मेथड होता है पीसीआर और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, और वो है एलिशा। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, एलिशा का फुल फॉर्म मैंने बताया है आपको, क्या है भाई, तो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉल्वेंट एसे, है ना। ये एक्चुअली में एंटीजेन और एंटीबॉडी के इंटरैक्शन पे बेस्ड, एंटीजेन और एंटीबॉडी के इंटरैक्शन पे बेस्ड क्या है, डायग्नोसिस है, है ना। करते क्या है इसमें हम लोग, देखिए इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, पैथोजेन प्रेजेंस इज डिटेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एंटीजेन, है ना। आपको याद होगा कि एंटीजेन क्या होता है, ये क्या होता है, एक्चुअली में हमारे बॉडी सरफेस सेल के सरफेस पे पाया जाने वाला एक प्रोटीन होता है, या तो ये प्रोटीन हो सकता है या ग्लाइकोप्रोटीन के फॉर्म में होता है, और इसी को टारगेट करता है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी इसी को न्यूट्रलाइज करता है, जो फॉरेन पार्टिकल्स इन द फॉर्म ऑफ एंटीजेन हमारे बॉडी सर्फेस पे आता है, ब्लड सर्फेस पे, आरबीसी के सरफेस पे, उसी को ये प्रोटीन क्या करता है, एंटीबॉडी क्या करता है, डिटेक्ट करता है। वही है, देखिए, एंटीबॉडीज ऑलवेज प्रोड्यूस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एंटीजेन। एंटीजेन जब हमारे बॉडी में होता है तभी एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है ना। इसको आगे हम लोग ऐसे चैप्टर पढ़ेंगे ना, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, तो उसमें मैं और आपको डिटेल कर दूंगा इसके बारे में। आगे क्या है, दिस टेस्ट इज अप्लीकेबल टू डिटेक्ट एंटीबॉडी। ये क्या करता है, एंटीबॉडी जो प्रोड्यूस होता है ना, उसी को डिटेक्ट करता है विद द हेल्प ऑफ सम स्पेसिफिक एंजाइम जो हमारे इम्यून सिस्टम के द्वारा प्रोड्यूस होता है। ओके, यही है एलिशा। अब इसी को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए मेथड क्या यूज होता है एलिशा में। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो ब्लड सैंपल लेंगे। जिस भी पर्सन का एलिशा करना है उसका ब्लड सैंपल लीजिए आप। ओके, और क्या करेंगे भाई, एंटीबॉडी और एंटीजेन उसके अंदर लिंक्ड कर देंगे विथ स्पेसिफिक एंजाइम, है ना। और फिर क्रोमोजेनिक सबस्टांस के द्वारा हम उस पर्टिकुलर एंटीबॉडी और एंटीजेन को डिटेक्ट करेंगे एंजाइम के साथ, है ना। वही है, बाई यूजिंग क्रोमोजेनिक सबस्टांस टारगेटेड मॉलिक्यूल्स गिव सम स्पेसिफिक कलर। और जब ये टारगेटेड मॉलिक्यूल कुछ स्पेसिफिक कलर देगा, तो हम ये रिप्रेजेंट कर देंगे कि भाई इस पर्टिकुलर पर्सन को ये डिजीज है। इसको सबसे पहले देखिए, दो साइंटिस्ट ने इसको सबसे पहले रिप्रेजेंट किया था, इंगवेल एंड पर्लमैन 1971 में। ओके, तो इसमें जनरली ड्राई स्ट्रिप मेथड बोलते हैं, चूँकि हम लोग क्या करते हैं ना, इसमें ड्राई स्ट्रिप मेथड देखते होंगे आप, इस टाइप का एक कीट आता है, है ना, वाइट कलर का किट, जिसके बीच में यहाँ पे स्क्रीन टाइप का लगा हुआ रहता है, और यहाँ पे आप ब्लड सैंपल को डालते हो, और ब्लड सैंपल जब डालते हो तो इसके ऊपर कुछ स्पेसिफिक टाइप का इम्प्रेशन शो आउट होता है। उस इम्प्रेशन को डिटेक्ट करके हम डिटरमाइन कर लेते हैं कि वेदर द पर्सन इज अफेक्टेड फ्रॉम पर्टिकुलर डिजीज और नॉट। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी का मैं कुछ टाइप बता रहा हूँ आपको। देखिए, टाइप ऑफ एलिशा, देखो सबसे पहला टाइप मैंने बताया है डायरेक्ट एलिशा। देखो, डायरेक्ट एलिशा सबसे कॉमन मेथड है। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो ये हो गया आपका एंटीजन वायरस सैंपल जो कि सरफेस के ऊपर अटैच है। अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर एंटीबॉडी डालते हैं, एंटीबॉडी विथ स्पेसिफिक एंजाइम हम इसके ऊपर पुट करते हैं। तो एंटीबॉडी विथ स्पेसिफिक एंजाइम जब इसके ऊपर पुट करेंगे तो क्या होगा, ये एंटीबॉडी इस पर्टिकुलर एंटीजन के ऊपर अटैच कर जाएगा। देखिए, यही एंटीबॉडी अटैच कर गया, और ये एंजाइम है, ये आपका क्या है, एंजाइम के साथ अटैच कर गया है।
अब जब एंजाइम के साथ ये अटैच करेगा तो इसकी वजह से क्या होगा, इसका क्रोमोजेनिक सबस्टांस के साथ हम इसको डिटेक्ट करेंगे तो ये क्या होगा, चेंज ऑफ कलर शो आउट करेगा। और ये अगर चेंज ऑफ कलर किया इसका मतलब क्या है, वो पर्सन जो है पॉजिटिव इफेक्ट देगा। ओके नेक्स्ट आप देख रहे होंगे मैंने बता दिया है सैंडविच डेलिशा। सैंडविच डेलिशा में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि पहले एंटीबॉडी ही सरफेस के ऊपर डालते हैं और एंटीबॉडी डालने के बाद उसको फिर हम एंजाइम को लिंक्ड करते हैं उसके साथ। तो जब एंटीबॉडी एंजाइम और वो सैंपल जब लिंक्ड करेंगे उसके बाद, फिर देखिए सैंपल लिंक करने के बाद हम लोग क्या करते हैं भाई, उसके ऊपर फिर से हम एंटीजन जो है एंटीबॉडी जो है वो उसके ऊपर ये करते हैं टैगिंग करते हैं उसका, और वो जो एंटीबॉडी होगा वो विथ स्पेसिफिक एंजाइम्स और क्रोमोजेनिक सबस्टांस होगा। देखिए वही मैंने बता दिया, एंटीबॉडी गिवन, सैंपल ऐड करते हैं, उसके बाद एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी ऐड करते हैं, फिर सबस्ट्रेट ऐड करते हैं और उसके बाद हम लोग कलर चेंज को डिटेक्ट करते हैं। तो इसको बोलते हैं हम लोग सैंडविच डेलिशा। उसके बाद मैंने आपको बता दिया है कम्पिटिटिव एलिशा। कम्पिटिटिव एलिशा में क्या करते हैं हम लोग कि हम लोग जो है वो अनलेबल्ड एंटीबॉडी और उसको सबसे पहले इंक्यूबेट करते हैं ना, सबसे पहले अनलेबल्ड एंटीबॉडी को इंक्यूबेट किया इन प्रेजेंस ऑफ एंटीजन। तो एंटीबॉडी और एंटीजन आपस में इंटरेक्ट करेगा, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि एंटीजन को उससे ऊपर कोटेड करते हैं ना, एडेड एंटीजन टू द कोटेड बाल, जो कोटेड जो आपने किया ना इंटरेक्शन, उसके बाद हम लोग फिर से एंटीजन ऐड करते हैं और उसके बाद वॉशिंग करते हैं उसका। जब वॉशिंग करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, वॉशिंग करने के बाद जो अनलेबल्ड एंटीबॉडी होगा वो वहाँ से सेपरेट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो डिटेक्टेड एंटीबॉडी जो मेरा था ना वही सिर्फ अटैचमेंट किया है, मतलब एक टाइप का कंपटीशन होता है यहाँ पे, एक टाइप का कंपटिटिव बिहेवियर है कि विच वन ऑफ द एंटीबॉडी गेट एडेड टू द एंटीजन, और फिर फाइनली उसको क्रोमोजेनिक सबस्टांस के साथ उसको सेपरेट कर लेते हैं, वही है सेकेंडरी एंटीबॉडी इज एडेड। ओके तो ये है कंपटिटिव एलिशा। एक और एलिशा होता है दैट इज कॉल्ड रिवर्स एलिशा। देखिए रिवर्स एलिशा में हम लोग क्या करते हैं, देखिए इसमें भी फिर वही बात है, अनलेबल्ड एंटीबॉडी को इंक्यूबेट करते हैं किसके प्रेजेंस में, एंटीजन के प्रेजेंस में, जो हम लोग इसके पहले भी कर रहे थे कंपटिटिव में। उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट इसमें क्या है कि स्कैवेंजर से पास करते हैं उसको, है ना, और ये स्कैवेंजर जो होता है वो क्या करता है एंटीजन के साथ बाउंड कर जाता है। उसके बाद हम उसमें कोई क्रोमोजेनिक सबस्टांस को देते हैं, क्रोमोजेनिक सबस्टांस अगर कलर प्रोवाइड किया है या फिर इल्यूमिनेट किया वो, तो इससे पता चल जाता है कि पेशेंट जो है वो इफेक्टेड है एक पर्टिकुलर टाइप के एंटीजेनिक इफेक्ट्स। ओके आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब हम लोग बात करते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल का। देखिए ट्रांसजेनिक एनिमल्स वैसे एनिमल होते हैं जिसके डीएनए को मैनिपुलेट करके उसके एलियन पीस ऑफ डीएनए को हम लोग एक्सप्रेस कर सकें, है ना, वही है एनिमल विथ मैनिपुलेटेड डीएनए टू एक्सप्रेस एलियन पीस ऑफ डीएनए। जो मैनिपुलेटेड डीएनए है ना उसके कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर सकते हैं हम ट्रांसजेनिक एनिमल के द्वारा। तो आप देखिए मैंने बता दिया है कि अबाउट 95% ट्रांसजेनिक एनिमल जो है ना हमारे सराउंडिंग्स में वो माइस है, इन्हीं पर सबसे ज़्यादा ये किया गया है, बाकी कुछ दूसरे भी हैं जैसे रैबिट हो गया, पिग हो गया, शिप हो गया, काउ हो गया, फिश हो गया, हॉर्स हो गया, ये सब भी है जो ट्रांसजेनिक एनिमल से बिलोंग करता है। ओके अब पर्पस क्या है, क्या पर्पस है हम आखिर क्यों ट्रांसजेनिक एनिमल तैयार किया जाता है, तो देखिए सबसे पहला पर्पस आपको बताया गया है नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट के लिए। मतलब आप अगर किसी पर्टिकुलर टाइप के फिजियोलॉजिकल सिस्टम के बारे में स्टडी करना चाहते हो या डेवलपमेंट के बारे में स्टडी करना चाहते हो तो ह्यूमन से कहीं ज़्यादा अच्छा सोर्स है ट्रांसजेनिक एनिमल, क्योंकि आप उसके अंदर जीन का मैनिपुलेशन कर सकते हैं और वो जीन पर्टिकुलर टाइप के फिजियोलॉजी को कैसे इफेक्ट करता है उसको आप डिटेक्ट कर सकते हैं। वही है टू स्टडी द रेगुलेशन ऑफ एक्स जीन एक्सप्रेशन इन फिजियोलॉजिकल एक्सप्रेशन और ग्रोथ के लिए हम लोग करते हैं इसको। ओके नेक्स्ट मैंने बताया है आपको डिजीज़ के स्टडी के लिए, एक पर्टिकुलर टाइप के डिजीज़ के स्टडी के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं उस पर्टिकुलर जीन को जो डिजीज़ के लिए काउजेबल है उस जीन को हम लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर किसमें ऑर्गेनिज्म में, और उसके वेरियस डेटेज को वेरियस डाटा एनालिसिस करके हम उसका कलेक्शन कर सकते हैं, उसका ये इवन उसके ट्रीटमेंट के लिए भी हम लोग उसका यूज़ कर सकते हैं। ओके वही है टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ पर्टिकुलर जीन इन फॉर पर्टिकुलर डिजीज, जैसे कैंसर के लिए, सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए, अल्जाइमर के लिए, ये सब के लिए यूज़ किया जाता है। ओके
आगे है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट हम लोग जीन मैनिपुलेशन के द्वारा बायोलॉजिकल प्रोडक्ट को भी ऑब्टेन कर सकते हैं, है ना। जैसे देखिए अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन एम्फिसेमा के लिए यूज़ किया जाता है, ये बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है जो जीन मैनिपुलेशन के द्वारा पैदा किया गया है। उसी तरह से आप नाम सुनेंगे रोजी काऊ का, रोजी काऊ जो है उसके मिल्क में पाया जाता है ह्यूमन अल्फा लैक्टा एल्बुमिन, है ना, ह्यूमन अल्फा लैक्टा एल्बुमिन पाया जाता है जो हाई मिल्क प्रोटीन से अवेलेबल है। तो रोजी काऊ के अंदर ये क्या है, एक टाइप का ट्रांसजेनिक एनिमल है। ओके, और भी मैंने कुछ एग्जांपल दिया है, जैसे वैक्सीन सेफ्टी के लिए, अगर मान लो कोई नया वैक्सीन बना है तो उस नए वैक्सीन को हम डायरेक्टली ह्यूमन के ऊपर ट्राई नहीं कर सकते, तो हम लोग क्या करते हैं, कोई ट्रांसजेनिक एनिमल उठाते हैं और उस ट्रांसजेनिक एनिमल पे उस वैक्सीन को टेस्ट करते हैं, है ना। जैसे देखिए रैट हो गया, मंकीज हो गया, ये सब के को ट्रांसजेनिक करके उसके बाद हम उसको टेस्ट करते हैं, अगर वहाँ पर वो सक्सेस होता है तब जा कर के हम ह्यूमन में उसको प्रॉपरली टेस्ट करते हैं। ओके, आगे है केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग। केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग का मतलब क्या हो गया, अगर जिस तरह से वैक्सीन का टेस्टिंग होता है उसी तरह से मान लो कोई केमिकल है, कोई ड्रग है, उसका फॉर्मेशन हुआ है, तो उस ड्रग और केमिकल को हम लोग सबसे पहले ट्रांसजेनिक एनिमल पे ही टेस्ट करते हैं, और ट्रांसजेनिक एनिमल पे टेस्ट करने के बाद फिर हम उसको ह्यूमन के ऊपर टेस्ट करते हैं। ओके, वही है, क्योंकि उसकी टॉक्सिसिटी को टेस्ट करना, ड्रग्स को टेस्ट करना, उसके इफेक्ट को टेस्ट करने के लिए हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज़ करते हैं। फाइनली मैंने आपको बता दिया है कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म, है ना। जैसे देखिए जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म के अंदर में कौन कौन आते हैं, तो देखिए मैंने बताया आपको इकोलाई के बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है क्योंकि इससे ह्यूमन इंसुलिन बनाया गया, मैंने आपको बताया पिछले वीडियो में, इवन ह्यूमन ग्रोथ फैक्टर भी बनाया गया, इससे इंटरफेरॉन का डेवलपमेंट किया गया, इंटरल्यूकिन का डेवलपमेंट किया गया इसी टाइप के ऑर्गेनिज्म से, इकोलाइज का जेनेटिक मैनिपुलेशन करके। उसी तरह से राइजोबियम मेलिलोटी जिसमें देखिए ये NIF जीन है ना, ये नाइट्रोजन फिक्सेसिंग जो जीन होता है ना, नाइट्रोजन इंड्यूसिंग फैक्टर बोलते हैं इसको, तो नाइट्रोजन इंड्यूसिंग फैक्टर जो होता है वो कहीं ना कहीं ये जीन स्पेशली पाया जाता है किसमें, तो राइजोबियम में पाया जाता है जो लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर नाइट्रोजन के फिक्सेशन में रिस्पॉन्सिबल होता है सॉइल के अंदर, है ना। तो ये NIF जीन अगर मान लीजिए हम किसी पर्टिकुलर प्लांट में डाल दें तो इसकी वजह से वो क्या कर सकता है, उसमें नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी नहीं होगी क्योंकि वो खुद ब खुद नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर सकता है। ओके, उसी तरह से देखिए बैसिलस थुरिंजिनेसिस आपको याद होगा पीछे बताया गया है BT क्रॉप के लिए, है ना, BT कॉटन, BT क्रॉप या BT ब्रिंजल ये सब के लिए यूज़ किया गया है इसका, इसके जीन को हम लोग यूज करते हैं फॉर कंट्रोलिंग पेस्ट, है ना। ओके, आगे क्या है, स्यूडोमोनास पुटीटा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, इसको हम लोग सुपर बग भी बोलते हैं क्योंकि वाइल्ड ईटिंग बग भी बोला जाता है इसको, है ना। ये वाइल्ड ईटिंग माइक्रोब्स जो है वो तैयार किया गया था इंडियन साइंटिस्ट के द्वारा ही, जो वाइल्ड को काफ़ी अच्छे ढंग से डिकम्पोज कर सकता है। ओके, नेक्स्ट है ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा जो है वो फंगल डिजीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, फंगल डिजीज़ को कंट्रोल करने में भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है, तो हम लोग ट्राइकोडर्मा के जीन का मैनिपुलेशन करके उसका यूज़ करते हैं फंगल डिजीज़ को कंट्रोल करने में, स्पेशली ये प्लांट में किया जाता है। ओके, मैंने और भी बता दिया, जैसे फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट कौन है, ये सब नीट में आता है क्वेश्चन कभी कभी, जैसे फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट में आ गया टोबैको, और फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल जो है वो क्या है, माउस, जिसको हम लोग सुपर माउस भी बोलते हैं, सुपर माउस भी बोला जाता है। ओके, तो ये हमारा वीडियो जो है रिलेटेड था किससे, ट्रांसजेनिक एनिमल से और वेरियस टाइप के मॉलिकुलर डायग्नोसिस से। तो आई थिंक आपको ये सारा टॉपिक काफ़ी अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा, और आप इस सारे टॉपिक को NCERT के थ्रू भी रिवाइज़ कीजिएगा, हालांकि NCERT से मैंने थोड़ा सा आपको एडवांस किया है, और मुझे आशा है कि ये टॉपिक आपको नीट में आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। और अगर ये टॉपिक आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, तो आप अपने दोस्तों के साथ मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि कंटिन्यूअस इस टाइप का वीडियो आपके लिए मैं लाता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, थैंक यू।